नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विक्रम बनवाला में। आप करेंगे 3.2 3. पिछली वीडियो में आपने देख ली होगी। 3.2 में क्या है, 3.2 में देखेंगे कोई दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल चलेगी या उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको पहले कॉन्सेप्ट कराएंगे 3.2 का, ऐसा करवाएंगे कि एग्जाम में देखते ही आप बिना पेन चलाए बता देंगे कौन सी लाइन है ये। दो नंबर में या छः नंबर में क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पक्का आता है। तो चलिए आपको करवाते हैं सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन। आप देखो, जैसे ऐसी लाइन मिलेगी आपको, दो लाइन ऐसे मिलेंगी, तो इनमें क्या करना, जो यहाँ से जो ये पॉइंट मिलेंगे एक्स और वाई की, तो ये लाइन होगी यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो कौन सी लाइन होगी इसका, या तो होगा वन सोल्यूशन, या तो होगा वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं हम यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या करेगी, यहाँ से ये इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा क्या होगी, या फिर तीसरी होगी ये कंसिस्टेंट। ठीक है, या तो इसका एक सोल्यूशन वन सोल्यूशन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या कंसिस्टेंट है, ऐसे दिखे आपको। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऐसे मिलेगी आपको, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, एक इक्वेशन ये मिलेगी। दूसरी मिलेगी आपको ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ठीक, ऐसे मिलेगी आपको। इसमें क्या आएगी, इसकी ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अगर ऐसे मिले, इसमें क्या आएगी, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। फॉर एग्जाम्पल इनकी जगह आपको कुछ दे सकते हैं, जैसे थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स, या और दे दिया आपको फोर एक्स प्लस सेवन वाई प्लस एट, ऐसी मिलेगी। ये क्या आपकी ए वन बाय ए टू, ए वन क्या दे दिया थ्री बाय फोर इक्वल टू फाइव बाय सेवन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, थ्री बाय फोर नॉट इक्वल टू फाइव बाय सेवन। अगर ऐसे आए तो आपको क्या पूछ लेंगे, आप में एग्जाम से पूछेंगे कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या इसका वन सोल्यूशन है, ऐसे मिलेंगे आपको। आपने तुरंत जो भी ऑप्शन मिले उसमें से आपने वन सोल्यूशन मिलेगा या इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी या कंसिस्टेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पैरेलल लाइन नंबर दो पर, इसको इरेज करता हूं। दो लाइन क्या मिलेंगी आपको, ऐसे मिलेंगी। ठीक है, दो लाइन ऐसे मिलेंगी, एक एक्स की और एक वाई की। इसमें क्या होगा, इन दो लाइन में या तो नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तीसरा क्या होगा, ये पैरेलल लाइन हो सकती है। ठीक है, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, इनमें आपसे पूछ लेंगे नो सोल्यूशन है, या इनकंसिस्टेंट पूछ लेंगे, या पैरेलल लाइन पूछ लेंगे, तो एग्जाम में कैसे मिलेगा। जैसे इसकी जनरल फॉर्म है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और दे दिया आपको ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। यहाँ दे देंगे आपको, जैसे कुछ भी लगा लो, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट, सिक्स एक्स प्लस टेन वाई प्लस नाइन। ठीक है, तो इसमें कैसे मिलेगी, ये मिलेगी ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नोट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है,
पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी, इनकंसिस्टेंट होगी या नो सोल्यूशन, उसमें क्या मिलेगी ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें जैसे थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू फाइव अपॉन टेन इक्वल टू एट अपॉन नाइन, जिसको कट करेंगे थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स जा फाइव, फाइव टू जा टेन। तो ये क्या आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आएगी वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू नोट इक्वल टू एट बाई नाइन। अगर ऐसी मिले तो ऐसा ऐसा ही होगा, जैसे आपने 3.1 में लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखा, ग्राफ के अंदर ऐसी ही लाइन बनी हुई थी, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नोट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, जैसे ये दिया हुआ। उसके बाद आती है नंबर तीन पर, नंबर तीन पर आपको मिलेगी ऐसी लाइन, ऐसी लाइन मिलेगी नंबर तीन पर। यहाँ क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, एक लाइन इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे मिलेगी आपको, ऐसे लाइन मिलेगी, ठीक है, दो लाइन ऐसे मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, ऐसी लाइन मिले तो या तो होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या हो सकते हैं कोइंसिडेंट, या हो सकते हैं फिर कंसिस्टेंट भी हो सकती है, या फिर कंसिस्टेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताते हैं, आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा, यह एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, यहाँ देख लो इसका एग्जाम्पल। जैसे जनरल फॉर्म का पता चल गया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी, ठीक है। दूसरी दे दी आपको, ऐसे मिलेगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी ए वन है सी टू है ये, ठीक है। जैसे आपको दिया मिलेगा वहाँ, इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपने कोई सवाल मिले, जैसे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, उसमें क्या, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, या कॉन्सिडेंट मिलेगी, या मिलेगी आपको कंसिस्टेंट मिलेगी, इनमें से। इसमें पता चल गया आपको क्या करना है, इसमें पता चल गया सेकंड में, ये केस वन दे देंगे इसको आप, केस वन इसको दे देंगे केस टू, और ये हमारा केस थ्री, ठीक है। केस वन में इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, वन सोल्यूशन हो सकता है, या कंसिस्टेंट हो सकती है। केस टू में क्या होगी, या तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या इनकंसिस्टेंट होगी, या फिर पैरेलल लाइन होगी। केस थ्री में क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, या कॉन्सिडेंट होगी, या कंसिस्टेंट होगी। तो हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है इन्हीं पर बेस्ड है। अगर आपको ये अच्छे से आ गए तो 3.2 अच्छे से आ जाएगी। ये आपको पहले इसलिए इंट्रोडक्शन कराया था कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। जैसा हमने बोला इनको, इसको वीडियो को रोक के आप इनको एक बार दो तीन बार इनको रिवाइज कर लो। केस वन में क्या करना है, या तो वन सोल्यूशन, इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या कंसिस्टेंट होगा। केस टू में या नो सोल्यूशन होगा, या इनकंसिस्टेंट होगी, या पैरेलल होगी। केस थ्री में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, या कॉन्सिडेंट हो सकते हैं, या कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अब करेंगे हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन, 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ग्राफिकली बताना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं ऊपर, एक क्विज करवाया गया उसमें 10th क्लास का। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 मोर देन, पहले ही ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब कितने नंबर ऑफ गर्ल थी और कितने नंबर ऑफ बॉयज थे। इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, ठीक है। चलो करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानेंगे हम, एक्स मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या मानेंगे हम, वाई। इसमें क्या दे रखा है, लड़की और लड़के दोनों मिलकर कितने हैं, 10। सबसे पहले लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इजकल टू 10। लड़कियां और लड़के दोनों मिलके कितने हैं? 10। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1। उसके बाद दिया इन्होंने नंबर ऑफ गर्ल 4 मोर देन, लिखेंगे पहले x इक्वल टू y, ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 मोर देन है किससे? नंबर ऑफ y से। इसे पहले ही 4 ज्यादा, तो इसमें क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे, y को इस साइड ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार हम पढ़ते जाएंगे और इक्वेशन को बनाते जाएंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, x माइनस वाई इजकल टू 4, इक्वेशन नंबर 2, यहां से रेज कर देता हूं। अब क्या ग्राफिकली बताना, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या दे रखी है? एक्स प्लस वाई इजकल टू 10, एक्स की जगह क्या रखेंगे? जैसे ऐसे दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ एक्स रख देंगे, यहाँ वाई। एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे? 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 5, उस साइड चला जाएगा 10 माइनस 5, तो वाई इक्वल टू 5। वाई की भी कितनी होगी? अगर एक्स की 5 रखेंगे तो वाई की भी कितनी होगी हमारी? 5, ठीक है। अब रखेंगे हम एक्स की वैल्यू, रख देंगे हम 6। एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे, वाई इजकल टू 10, वाई ऐसे कैसे 6 उस साइड चला जाएगा, 10 माइनस 6 4। अगर हम एक्स की वैल्यू रखते हैं 6 तो वाई की कितनी आएगी हमारी? 4। अब एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 7, एक्स की वैल्यू 7 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू 7 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये 7 इस साइड आ जाएगा, 10 माइनस 7 कितनी आएगी? 3। ये तो थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, एक्स और वाई लिख लेंगे ऐसे, एक्स और वाई लिख लेंगे। अब एक्स और वाई लिखने के बाद क्या दिया हुआ हमें, अब इसे निकालेंगे, जैसे क्या दे रखे इसको साइड ले जाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, एक्स इजकल टू वाई प्लस 4। एक्स की वैल्यू क्या रखें? वाई की वैल्यू रख देंगे हम 0, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब वाई की वैल्यू रख देंगे हम 1, 1 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब वाई की वैल्यू रख देंगे हम 2, वाई की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4 प्लस 2 6 आ जाएगी। अब ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ में देखना आप कैसे बनाएंगे। एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की 5 और वाई की 5, देखो एक्स की 5 वाई की 5 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x की 6 y की 4, x की 6 y की 4 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद x की 7 y की 3, x की 7 है y की 3 यहाँ आ जाएगा। इनको क्या कर देंगे हम? मिला देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे वैल्यू, लिख देंगे x की 4 और 6, यहाँ 5 और 5, यहाँ 7 और 3। उसके बाद देखेंगे इसकी x की 4 है, y की 0, x की 4 यहाँ आ जाएगा, x की 5 y की 1, x की 5 y की 1 यहाँ आ जाएगा, x की 6 y की 2 यहाँ आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे हम? मिला देंगे, यहाँ यहाँ मिला दें तो क्या आया? x की वैल्यू जहाँ मिली, x की वैल्यू क्या आई? 7, और y की 3, जो हमने माना था x की 7 y की वैल्यू 3, ठीक है। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू कितनी है? 7 बाय 7 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई? 3, और यहाँ नीचे माइनस इंटू प्लस 3, ठीक है। 7 बाय 7 इक्वल टू 3 बाय, प्लस की माइनस से करेंगे माइनस का 3, 7 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1, नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यहाँ भी क्या आई है? इंटरसेक्टिंग लाइन आई है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन, स्टेटमेंट ऊपर देख सकते हो कितने रुपए की आती है? 50 रुपए की। 7 पेंसिल, 7 पेंसिल एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट ऑफ 40, और 7
पेंसिल और पांच पेन्स का कितना मिला है? 40 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड द वन पेन। आपने क्या फाइंड करना है? एक पेंसिल का और एक पेन का मूल्य बताना। चलिए ये करते हैं। फाइव पेंसिल, ठीक है। पहले लेट मान लेते हैं। लेट क्या मानेंगे हम? लेट मान लेते हैं पेंसिल एक्स मान ले, और इसको मान लेते हैं पेन को वाई। क्या दे रखा है? फाइव पेन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। फाइव पेन यानी फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू दे रखा है 50, इक्वेशन वन। सेकंड क्या बनेगी? सेवन पेंसिल यानी कि सेवन एक्स, सेवन पेंसिल सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इजकल टू 46, इक्वेशन टू, ठीक है। पहले इक्वेशन वन को सोल्व करेंगे हम। क्या दे रखे आप? इक्वेशन वन यहां से क्या ले लेंगे? सेवन वाई इक्वल टू 50 माइनस फाइव एक्स, ठीक है। सेवन को यहाँ से हटा देंगे, कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की। यहाँ एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम? एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 3। 3 रखने पर 5 3 15, 50 माइनस 15 35, 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा? 5। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे? अब एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 10। 10 रखेंगे, 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 कितना हुआ? 0। 0 बाय 7 कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो कितनी आई? एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 10 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आई? 0 आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? देखो, 7x इक्वल टू 46 माइनस क्या आ जाएगा? 5y, ठीक है। 7 यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे, कहां चला जाएगा? 7 नीचे चला जाएगा। अब x और y लिख लेंगे यहां पर, x और y यहां पर। स्टेप बाय स्टेप आपने मेरे साथ चलना है। x और y लिख लेंगे। अब यहां क्या वैल्यू रखें कि इससे पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए? y की वैल्यू हम रख लेंगे 5। 5 रखेंगे यहां पर, 5 5 जा 25 25, 46 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा? 21 21 बाई 7 कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू? 3। अब इसकी जगह और क्या रख लेंगे? y की वैल्यू क्या रखेंगे हम? y की वैल्यू रख लेंगे हम 12। 12 रखने पर कितनी आती है? देखो, 12 5 जा 60 60 किसके? माइनस के, और 46 किसके? प्लस के। डिवाइड बाय 7 कितना आएगा? ये माइनस के 14 बाय 7 कितना आ गया? माइनस के 2, ठीक है, माइनस 2। तो ये कितनी आ जाएगी? माइनस के 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 माइनस के 60 प्लस के 46 है, तो कितने आएगा? माइनस के 14 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा माइनस 14, तो माइनस की 2 आएगी। अब ग्राफ में दिखाएंगे हम। ग्राफ में क्या है? देखो, x की 3 y की 5, x की 3 और y की 5 कहाँ से आएगा? यहाँ आएगा ये, ठीक। उसके बाद x की 10 y की 0, x की 8 9 10, x की 10 y की 0 यहाँ आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे? इसको और उसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। उसके बाद निकालेंगे x की 3 y की 5, x की 3 और y की 5 यहीं आ जाएगी, इसके ऊपर ही। उसके बाद देर क्या है? x की माइनस 2 यहाँ 0 माइनस 1 माइनस 2, x की माइनस 2 और y की 12, x की माइनस 2 y की 12, 9 10 11 12 12 और माइनस 2 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको इसको क्या करेंगे हम? ऐसे ये यहाँ से कट कर देगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कट कर देगी ये, ठीक है। तो यहाँ ये भी बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेंगे कौन कौन से, देखो यहाँ पे आया ये 3 और 5, ठीक है। एक्स की 3 है, वाई की 5 है, तो पेंसिल कितनी हुई? 3, और कॉस्ट ऑफ पेन कितने हुए? ये 5, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशो ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक तो बताना इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दूसरा बताना हमने पैरेलल, और तीसरा बताना हमने कोइंसिडेंट। चलो आइए करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सबसे पहला काम हमने ये करना। अब ए वन देखना, ए वन क्या हमारे पास फाइव, ए टू कितना दे रखे हमें सेवन इक्वल टू, बी वन कितना हमारे पास माइनस फोर, बी टू कितना है सिक्स इक्वल टू, सी वन कितना है एट, और सी टू कितना माइनस का नाइन। ठीक है, अब देखो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, यहीं से दिख रहा है ये माइनस फोर बाई सिक्स है, ये फाइव बाई सेवन है, तो ये क्या है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सबसे पहले ये करेंगे। अब ए वन क्या हमारे पास नाइन अपॉन ए टू एटीन इजकल टू, बी वन क्या हमारे पास थ्री, बी टू क्या है सिक्स इक्वल टू, सी वन क्या है ट्वेल्व, और सी टू क्या हमारे पास ट्वेंटी फोर। ठीक है, अब इनको कट करेंगे, नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर। क्या आया वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू। ठीक है, इसके क्या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं कंसिस्टेंट, लेकिन हमसे क्या पूछा कोइंसिडेंट, तो क्या ये कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें भी ऐसे ही लिखना, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सबसे पहला काम आपने ये करना, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने क्या करना इनकी तरफ देखना, देखते ही आपको सवाल आ जाएंगे। ठीक है, देखना और समझना, तरीका समझना। ए वन क्या दिया हमें सिक्स, ए टू दिया हमें टू इक्वल टू, बी वन क्या हमारे पास माइनस थ्री, और बी टू क्या हमारे पास माइनस वन इक्वल टू, सी वन टेन, सी टू कितना हमारे पास नाइन। ठीक है, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, माइनस से माइनस का कितना आया थ्री बाय वन इक्वल टू थ्री बाय वन, और नॉट इक्वल टू टेन बाय नाइन। ये कौन सी उसमें होती है जब दो लाइनें पैरेलल जा रही हो। ठीक है, दो इक्वेशन जब पैरेलल जा रही हो, थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री में ही, तो इसको क्या बोलेंगे हम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट आप ऊपर पढ़ सकते हो। ऑन कंपेयरिंग द रेशो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने ये बताना कि कौन सी कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। चलो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखे हैं इसके अंदर, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ठीक है, पहले इसको इस साइड ले आएंगे हम, क्या दे रखे हैं ये थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इजकल टू जीरो, या क्या दे रखे हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिख लेंगे हम थ्री अपॉन टू इक्वल टू टू बाय माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन माइनस के सेवन। अब देखो आप थ्री बाय टू नॉट इक्वल टू क्या है टू बाय थ्री, तो ये क्या होगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे, इसको पहले इस साइड ले आएंगे टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इजकल टू जीरो, फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इजकल टू जीरो। ठीक है, अब देखो उसी फॉर्म में लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, ए वन कितना हमारा टू अपॉन फोर
इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन माइनस का सिक्स इक्वल टू माइनस का एट अपॉन माइनस का नाइन। ठीक है, देखो इससे तो ये कट जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, वन बाई टू इक्वल टू, वन बाई टू इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस कट जाए क्या आ जाएगा एट बाई नाइन, लेकिन इसका इक्वल नहीं है तो ये क्या आ जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट, क्या आ जाएगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड पे, थ्री अपॉन टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री वाई माइनस सेवन इजकल टू जीरो, नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टीन इजकल टू जीरो। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, थ्री बाई टू दे रखे है, नाइन दे रखे है, तो हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। देखो तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिख दें थ्री बाई टू, ये ऐसे दे रखे, देखो यहाँ समझो थ्री बाई टू बाई नाइन है, नाइन के नीचे क्या लिख देंगे वन, अब वन कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये इसकी मल्टीप्लाई से थ्री वन जा थ्री, नाइन टू जा एट्टीन इक्वल टू, इसी प्रकार इसमें दे रखे फाइव बाई थ्री, नीचे दे रखे है माइनस का टेन, माइनस टेन बाई वन, इसकी टेन किस से और वन की फाइव से, कितना आ गया फाइव बाई माइनस के थर्टी इक्वल टू, यहाँ क्या दे रखे माइनस सेवन बाई माइनस के फोर्टीन, माइनस से माइनस गया, थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, वन बाई सिक्स इक्वल टू फाइव वन जा फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, वन बाय सिक्स ये किसके है माइनस के, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइनस के इक्वल टू सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, वन बाय टू। ठीक है, तो ये क्या आएगी वन बाय सिक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन बाय सिक्स, तो ये क्या आएगी हमारी, ये भी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का, देखो क्या ये पहले साइड ले आएंगे फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस इलेवन। ठीक, उसके बाद क्या दे रखे हैं माइनस के टेन एक्स प्लस के सिक्स वाई प्लस के ट्वेंटी टू। ठीक है, ऐसे ले लेंगे इसको, अब लिख लेंगे हम ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, ए वन बाई ए टू लिखेंगे फाइव अपॉन माइनस के टेन इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू माइनस इलेवन अपॉन ट्वेंटी टू, कट कर दें, देखो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, कितने आ गए माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं और कंसिस्टेंट भी हो सकती है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में क्या दिया हुआ, देखो पहले इसको इस साइड ले आएंगे फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट, और कितना दे रखे टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के ट्वेल्व इजकल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसके नीचे वन है, ठीक है, इसके नीचे वन है तो इसकी तो मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी इससे होगी, कितना आ जाएगा फोर बाई थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू टू बाई थ्री इक्वल टू माइनस एट बाई माइनस के ट्वेल्व। ठीक है, जैसे टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ये टू थ्री है ही, माइनस से माइनस, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, कितना आया टू बाई थ्री इक्वल टू टू बाई थ्री इक्वल टू टू बाई थ्री। ठीक है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी यही आ जाएगा इस वाला, इनफाइनाइट मैनिपुलेशन, और क्या आ सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट।
ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट ऊपर पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफिकली बताना हमने, अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ में शो करके दिखाना। चलो करते हैं, देखो क्या दे रखा है। पहला एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो साइड ले आएंगे। यहाँ क्या दे रखा है, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो। अब उसी फॉर्म में लिखेंगे ए वन बाई ए टू, मेरे साथ साथ आप भी बोलते जाओ, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब क्या करना है, देखो एक्स कितना दे रखा है, वन वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव बाय माइनस के टेन, माइनस से माइनस फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू। ठीक, क्या है इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बताया गया अगर कंसिस्टेंट हो तो, ग्राफिकली बताना हमने, अगर कंसिस्टेंट हो तो, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो हमने ग्राफिकली बताना। पहले इसके वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की। ठीक है, निकालते हैं एक्स और वाई की, यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह रख देंगे हम फाइव। ठीक है, एक्स की फाइव रखने पर वाई की कितनी आएगी, जीरो। अब वाई की फाइव रख देंगे तो एक्स की जीरो आ जाएगी। एक और निकालते हैं सेम इसी की, सेम इसकी निकालेंगे तो क्या आएगा, इसकी भी यही आएगी निकाल के देखेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर आप दोनों की एक ही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि कंसिस्टेंट है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ग्राफ में देखो एक्स और वाई, एक्स वाई, ठीक है, एक्स पाँच दे रखे हैं, वाई जीरो यहाँ आ जाएगा, तो एक्स जीरो है, वाई पाँच दे रखे हैं यहाँ आ जाएगा, तो इसको और इसको क्या कर देंगे हम, मिला देंगे। ठीक है, ये आएगी अपनी फाइव जीरो, एक्स जीरो फाइव और फाइव जीरो, ये बताना था अपने करके। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो ये करके दिखाना, अगर नहीं है तो नहीं करके दिखाना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 का सेकंड पार्ट देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये लिखेंगे। ए वन कितना हमारे पास, वन अपॉन थ्री इक्वल टू, बी वन कितना है, माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कट कर देंगे। उसके बाद सी वन कितना हमारे पास, एट, और सी टू कितना है, सिक्सटीन। कितना है, वन बाई थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री नॉट इक्वल टू, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, वन बाई टू। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होती तो हमें ग्राफिकली बतानी थी। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखिए। सबसे पहले वही लिखेंगे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू लिखेंगे। ए वन कितना हमारे पास, टू अपॉन फोर इक्वल टू वन अपॉन माइनस टू। ठीक है, अब यहीं से देख लें, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन अपॉन टू नोट इक्वल टू वन अपॉन माइनस का टू, तो ये क्या आ गया, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट आ गया तो हमने ग्राफिकली दिखाना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के निकालते हैं। ठीक है, यही निकाल लेते हैं एक्स और वाई के, एक यहाँ निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान है, आप जैसा आपको समझा रहे ऐसा करते जाइए, बिल्कुल एक एक स्टेप बताते चले जाएंगे आपको। अब देखो इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन देखिए, टू एक्स प्लस वाई, इनको उस साइड लेके चले जाएंगे, यहाँ से, यहाँ से ये इक्वेशन देखो, ये टू एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस वाई। ठीक है, टू यहाँ से हटा देंगे, टू नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब वाई की वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे, टू रख देंगे, वाई की वैल्यू टू रख देंगे,
सिक्स माइनस टू फोर, फोर को डिवाइड करेंगे टू से कितना आएगा टू, ठीक है। अब वाई की वैल्यू हम क्या रख देंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे फोर। वाई की वैल्यू फोर रखने पर सिक्स माइनस फोर टू, टू बाई टू कितना आया वन, ठीक है। अब निकालेंगे ये साइड वाली, ये यहाँ निकाल देंगे कितना, ये फोर एक्स इक्वल टू साइड लेके चले जाएंगे टू वाई प्लस फोर, फोर यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा के कहाँ आ जाएगा फोर नीचे आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे हम टू, तो एक्स की वैल्यू भी टू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाई की वैल्यू रख देंगे फोर, वाई की वैल्यू फोर रखने पर फोर टू जा एट, एट और फोर ट्वेल्व, आठ और चार बारह, बारह को चार से डिवाइड करेंगे तीन, एक्स की कितनी आ जाएगी तीन आ जाएगी। अब देखो एक्स की भी दो वाई की भी दो, एक्स की दो वाई की दो कहाँ आ जाएगी यहाँ आ जाएगी, एक्स की वन वाई की फोर, एक्स की वन और वाई की फोर यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ए यहाँ आ जाएगी यहाँ, ठीक। अब इनको ऐसे मिला देंगे, ठीक, यहाँ लिख देंगे वन और फोर और यहाँ लिख देंगे टू और टू। अब इस साइड एक्स की टू वाई की टू, एक्स की टू वाई की टू यहीं आ जाएगी, एक्स की थ्री वाई की फोर, एक्स की थ्री है और वाई की फोर है, ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ एक्स की थ्री यहाँ आ जाएगी, ठीक। फिर इनको मिला देंगे तो पॉइंट कितना आया, एक्स की भी दो आएगी, एक्स इजकल टू दो और वाई इजकल टू, एक्स की भी टू वाई की भी टू, ठीक है। ग्राफिकली भी हमने समझा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री पार्ट, चलते हैं इससे अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ पार्ट देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। सबसे पहला काम आपने ये करना, उसके बाद क्या लिखना है आपने, ए वन कितना हमारा टू, ए टू कितना हमारा फोर, इक्वल टू बी वन माइनस टू माइनस का फोर, बी टू इक्वल टू सी वन माइनस टू और क्या दे रखे माइनस का फाइव सी टू, ठीक है। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, माइनस से माइनस, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, माइनस से माइनस गया, ठीक है। वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू नॉट इक्वल टू टू बाय फाइव, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो नो सोल्यूशन होगा इसका, पैरेलल लाइन होगा और इनकंसिस्टेंट है, क्या आ गया इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में हमने इसका क्या ग्राफ नहीं बनाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की जो डायमेंशन है वो निकालनी है। आप देख सकते हो, आप ऊपर स्टेटमेंट भी पढ़ लेना साथ में, पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ है जो 4 मोर देन, ठीक है। लेट मानेंगे लेट द विड्थ इज एक्स, लेंथ इज वाई, ये वाई और ये एक्स मान लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, पैरामीटर है जो उसका हाफ, पैरामीटर का फार्मूला क्या हुआ, टू इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी होता है, एल कितना है वाई प्लस बी ब्रेथ, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखो इसका क्या दे रखा है इन्होंने, हाफ दे रखा और कितना दे रखा 36 मीटर, इसके इक्वल टू से टू गया, अपना कितना आ गया एल प्लस बी, यानी के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन वन ये बन गई, ठीक। उसके बाद दे रखा है इन्होंने सेकंड, जो लेंथ है वो 4 मोर देन है, ठीक है, जो लेंथ है वो पहले ही 4 बड़ी है, तो लेंथ क्या हमारी y इक्वल टू एक्स दे रखा है, लेंथ 4 पहले से ही बड़ी है, तो इसको क्या कर देंगे विड्थ में 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आएगी, इक्वेशन दो बनगी, इसका हमने ग्राफ बनाना, ठीक है। अब x और y के निकाल लेंगे वैल्यू, बिल्कुल आसान है ये।
वाई की वैल्यू रख देंगे हम 20, 20 रख देंगे, 20 उस साइड चला जाएगा, माइनस 20 करेंगे कितना आएगा 36 माइनस 20 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब क्या कर देंगे हम, वाई की वैल्यू रख देंगे हम 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब इसमें रखेंगे देखो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 4, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब y की वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 12 आ जाएगी। बिल्कुल आसान है, आपने इसको समझना, बस दे क्या रखा, जैसे सवाल चल रहा है उसी के अनुसार आपने चलना, बिल्कुल आसान सवाल है। एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखी है, इसकी लेंथ भी दे रखी है, इसकी विड्थ भी दे रखी है, तो हाफ ऑफ द पैरीमीटर, बस यहाँ पजल हो गए, जो पैरीमीटर का फार्मूला हो 2 × L + B, उसको क्या करना, हाफ मतलब आधा कर देना है, कितना आ जाएगा 36। अब निकालेंगे इसके, इसकी वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, x की 16 y की 20, x की वैल्यू 16 यहाँ से, y की 20 यहाँ आ जाएगी, ठीक है यहाँ। उसके बाद दे रखिए x की 20, x की दे दी 20, y की दे दी 16, x की 20 y की 16 यहाँ, ये यहाँ आएगी, ये ऐसे आएगी। उसके बाद सेकंड में x की 4 y की 8, x की 4 y की 8 यहाँ, x की 8 y की 12, x की 8 y की 12 यहाँ, इसको फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक। x की 4 8 वैल्यू रख देंगे हम, या 8 और 12 और यहाँ रख देंगे हम कितनी है 20 और 60, यहाँ कितनी आई 60, यहाँ कितनी आई 20, ठीक है। तो x की कितनी आई है, x की वैल्यू आई हमारी 16, यानी कि x की वैल्यू हमारी 16 और इसकी कितनी आई हमारी 20, ठीक है। इसमें ये दे रखा था वाई, ये जो वाई है जो पहले ही 4 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 20 आई है, ये 16 आई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सोफरमेंट इज, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। आपने खुद बनानी, सबसे आसान सवाल है। देखो सबसे पहला क्या देखे, इंटरसेक्टिंग लाइन, सबसे शुरू स्टार्टिंग में एक्सरसाइज शुरू हुई तभी बताया था इंटरसेक्टिंग करते हैं, वो बनानी है, ठीक है। कुछ भी लगा लो उसकी जगह, जैसे 5x + 7y - 12 = 0, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होते हैं, a1 / a2 ≠ b1 / b2, ठीक है। ये भी ऐसे है, 2 / 5 = 3 / 7 = 8 / 12 - से माइनस कट जाए, ठीक है, 2/5 ≠ 3/7, ऐसे इक्वेशन बनानी है आपने, जैसे ये बना दी। अब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की बनानी है, जो दो इक्वल लाइन चली हुई थी इसमें क्या बनाना, देखो a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। पैरेलल कब होगी, पैरेलल कब होगी, जब b1 / b2 ≠ c1 / c2 होगी। इसकी जगह क्या लेंगे, जैसे ये देखी है 2x + 3y - 8 = 0, इसकी जगह ले लें 4x + 6y - 10 = 0। देखो 2y = 3y - 8 - 10 - 8 = 10 - 8 = 2 2 × 2 = 2 2 × 4 = 3 × 3 = 3 × 6, ठीक है। 1/2 = 1/2 ≠ 4 2 4 = 2 5 = 4 5, ठीक है। ये हमारी कौन सी आएगी, पैरेलल लाइन। अब आएगी कोइंसिडेंट लाइन, कौन सी होती है, देखो a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अब करते हैं 2x + 3y - 8 = 0,
इसकी जगह लिख दें 4x प्लस 6y माइनस 16 इजिकल टू जीरो। देखो 2y4 इक्वल टू 3y6 इक्वल टू माइनस 8y माइनस 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 1 by 2 equal to 1 by 2 equal to 1 by 2। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बन गया अपनी ये नीचे वाली 4x प्लस 6y माइनस 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस एंड द शेड ऑफ ट्रायंगुलर रीजंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट और वर्टेज बताने हैं। जैसे ये बनी हुई है, इसमें यहाँ से ऐसे बन गया, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल बनाकर वो शेडेड करना। ठीक है, चलो करते हैं, पहले उतार लेते हैं इसकी इक्वेशन। एक दे रखी है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और सेकंड दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। ठीक है, चलो पहले करते हैं इक्वेशन 1 दे रखी है, ये इक्वेशन 2 दे रखी है। फर्स्ट में क्या है, देखो एक्स इजकल टू वाई उस साइड लेके जाएंगे वाई, 1 उस साइड लेके जाएंगे माइनस 1। इक्वेशन 1 ये हो गई। इस साइड देखेंगे हम क्या है, देखो इस साइड क्या करेंगे हम, 2y तो इस साइड रख लेंगे इजकल टू 12 माइनस 3x, 2 यहाँ से हटा के कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक, पहले निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, इक्वेशन 1 की निकाल लेंगे हम, इक्वेशन 1 की एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्या कर देंगे हम, वाई की वैल्यू हम 0 रख देंगे, वाई की वैल्यू 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। अब वाई की वैल्यू रख देंगे 1 तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ रखेंगे वाई की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब इस साइड देखेंगे, इस साइड फिर ऐसे ही बना लेंगे एक्स और वाई। ठीक, एक्स और वाई ऐसे में ये इक्वेशन 1, ये 2 में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 बाई 2 कितना हुआ, 0, वाई की 0। ठीक, अब एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हम, एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 0, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगी, 0, 12 बाई 2 6, तो y की कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, अब इसी का ग्राफ बनाते देखें, x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ ये है, x की माइनस 1 दे दी, y की 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये दे दी यहाँ। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, उसके बाद x की 4 है, y की 0, x की 4 y की 0 और x की 0 y की 6, x की 0 y की 6 ये दे दी। अब इनको मिला देंगे, इनको ऐसे मिला देंगे। अब जो ये ट्रायंगल बना, इसके वर्टिज बताने हमने कौन कौन से, देखो इसका क्या आया है 4 0 और इसका कितना आया माइनस 1 और 0। यहाँ क्या आया, यहाँ हमारा आया है 2, x की 2 है और y की 3। तो वर्टिज क्या आए हमारे, वर्टिज आए हमारे, वर्टिज सबसे पहला क्या आया है माइनस 1 और 0, उसके बाद आया है 4 और 0, उसके बाद आया है 2 और 3। इस पार्ट को क्या करना हमने, इसको हमने शेडेड करना है, इस पार्ट को हम शेडेड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल विक्रमनवाला पर। नमस्कार, जय हिंद।